मैं रितु और आप देख रहे हो रितु बालकनी गार्डन। दोस्तों आज मेरे पास मैं आपको स्नेक प्लांट के बारे में बताऊंगी। दोस्तों मेरे पास पांच छह वैरायटी हो गई है स्नेक प्लांट की। ये देखिए ये एक है, ये देखिए ये ग्रीन और येलो का शेडेड है। इसमें देखिए दो नए प्लांट और आ गए हैं, इसको भी रिपोर्टिंग मुझे करना है दोस्तों। और ये देखिए एक ये कप था, इसमें मैंने ये लगा दिया, देखिए कितना अच्छा ग्रो हो रहा है ये देखिए। और एक ये है, ये देखिए इसमें ग्रीन और वाइट का शेडेड है, तो ये देखिए ये भी ग्रो हो रहा है। इसमें भी दो पौधे तैयार हो गए हैं, इसको भी मुझे अलग पॉट में लगाना पड़ेगा। और एक ये देखिए लंबे पत्तों वाली वैरायटी है, इसमें देखिए ग्रीन का शेडेड, येलो का, ये देखिए ये भी कितना सुंदर दिख रहा है दोस्तों। ये देखिए छोटे से गमले में, ये देखिए ये है मेरा एक और स्नेक प्लांट। इसमें भी देखिए नई नई पत्तियाँ आ रही हैं अभी दूसरी, और इसको भी ग्रीन और येलो का शेडेड है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। इसमें मैंने किनारे में वांडरिंग जू लगा दी थी, तो ये देखिए वांडरिंग जू भी कितनी अच्छी फैल गई है। एक ये देखिए ये भी ग्रीन कलर का, इसमें वाइट और ग्रीन का शेडेड है, तो ये भी एक स्नेक प्लांट है दोस्तों। स्नेक प्लांट घर में लगाना बहुत अच्छा शुभ माना जाता है दोस्तों। स्नेक प्लांट के लिए कम खाद और कम पानी की गरज रहती है। इसको कम सन लाइट में या फिर शेडेड वाले एरिए में इसको रख सकते हैं। इसको ज़्यादा धूप और पानी की भी ज़्यादा गरज नहीं रहती, और इसमें खाद भी बहुत कम डालना पड़ता है दोस्तों। जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी तभी मैंने इसमें गोबर की खाद, नीम खली, राख, ये सब चीज़ डाल दी थी, तो तब से अभी तक मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाली हूँ। और रोज़ समझ लो दाल या चावल का पानी जो रहता है वही मैं इसमें डालती हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं डालती दोस्तों। ये देखिए कितने सुंदर मेरे पौधे तैयार हो गए हैं। ये देखिए इनको छाव वाले एरिया बहुत अच्छा रहता है। अभी ये ठंडी के सीजन में इनका ये ग्रो करने का वो नहीं रहता, ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं दोस्तों। ये देखिए ये अभी इनको मैं यहाँ से उठाकर अंदर शेडेड वाले एरिया में रख दूँगी दोस्तों। ये देखिए ये मेरा स्नेक प्लांट की वैरायटी है दोस्तों। मेरे पास तीन चार हो गए हैं। तो ये देखिए मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए।